दक्षिणी चीन सागर को लेकर चीन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। ताजा खबर के मुताबिक दक्षिणी चीन सागर के ऊपर अमेरिकी B-52 लड़ाकू विमानों को मंडराते देखा गया है। अमेरिकी वायुसेना के एक अधिकारी ने CNN न्यूज चैनल को बताया है कि अमेरिका के दो बम वर्षक विमानों ने मंगलवार को गुआम द्वीप स्थित एंडरसन हवाई अड्डे के स्प्रैटली द्वीप समूह के लिए उड़ान भरी। खास बात यह है कि ये वही द्वीप है जिस पर चीन अपनी दावेदारी ठोक रहा है। चीन ने स्प्रैटली की भौगोलिक विशेषताओं का इस्तेमाल कृत्रिम द्वीप समूह बनाने में किया है। इसमें से कुछ को बीजिंग ने सैन्य सुविधाओं से भी लैस किया है। अमेरिकी रक्षा सूत्रों के अनुसार दक्षिण चीन सागर के ऊपर अमेरिकी B-52 लड़ाकू विमान की उड़ान US एयरफोर्स की रूटीन एक्सरसाइज थी। खास बात यह है कि चीनी सेना ने अमेरिकी विमान के मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं की।